खबर अजमेर से है, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में निगम ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर स्थित दो इमारतों को सील कर दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए निगम उपायुक्त ने बताया कि दोनों ही इमारतों को निर्माण गलत तरीके से करवाया हुआ था। उन्होंने बताया कि गौरव गोयल को आवासीय निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने कॉमर्शियल निर्माण करवा लिया। और उपायुक्त नो ने बताया कि अवैध निर्माण पर निगम की पूरी नजर है और ऐसे निर्माण पर जल्द से जल्द निगम अब कार्रवाई कर रहा है। प्रकरण था जिसमें डीएलबी का आदेश था कि यदि कोई व्यावसायिक नहीं आवासीय नहीं कर रहा है, वो व्यावसायिक नहीं कर रहा है और आवासीय ही उनकी, चूँकि स्वीकृति आवासीय थी और आवासीय कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, व्यावसायिक कर रहा है तो उसको कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। चूँकि मौके पे व्यावसायिक दुकान का निर्माण किया जा रहा है, दुकान का यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको एक दुकान को सीज करने की कार्रवाई की गई थी। दूसरे में ये गौरव गोयल की तरंग शॉप के नाम से है और दूसरी ही एक बिल्डिंग थी जिसमें G+2 का परमिशन था, लेकिन G+3 उसने निर्माण कर रखा था, इसलिए थर्ड फ्लोर उसकी सीज की गई थी। कोर्ट ने दोनों वैशाली नगर एरिया में, वैशाली नगर जो मेन रोड है, अनासागर लिंक रोड है, उस पर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।